हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब के गोलू ढोलू के चैनल में। गाइज, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपके सब अपने भी ठीक होंगे। गाइज, आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, वो है मीशो हॉल पर। फिर अगेन मीशो हॉल पर गाइज, मैंने जो सूट मंगाए थे, देखते हैं एग्जैक्टली वैसे आए हैं नए हैं। एक्चुअली मैंने इसमें से कुछ सूट जो है वो मंगा कर स्टिच करवा लिए हैं, मतलब सिलवा लिए हैं। तो मैं आपको वही सूट दिखाऊंगी स्टिच करने के बाद कैसे लगा। सॉरी, मैंने स्टिच करने के बाद इन पे वीडियो बनाया है। और इसमें से एक प्लाजो सेट है जो एक्चुअली स्टिच ही आया था। तो चलिए देखते हैं कैसे हैं वो और कैसे दिखते हैं स्टिच होने के बाद, कैसे बनते हैं, बनने के बाद कैसे दिखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला जो वीडियो है, पहला जो सूट है गाइस, वो है और ये प्यारा सा सूट, प्यारा सा ब्लू कलर का सूट। एक्चुअली ये क्रीपी कपड़े में है गाइस, मैंने इसे मंगाया था तो ये जो था अनस्टिच था, बट मैंने इसको जो था स्टिच करवा लिया। तो स्टिच होने के बाद ये गाइस ऐसा दिखता है। ये बहुत ही सुंदर सूट है, बहुत ही खूबसूरत सूट है गाइस। देख सकते हो यहाँ पर जो है बाजू पर इन्होंने जो था वो हल्का सा काम करवाया मैंने इसके ऊपर। देख सकते हो इसका जो नीचे का फ्रंट का बॉर्डर है, तो मैंने इसे बाजू में इसे लगवा लिया था। तो ये बहुत खूबसूरत दिखता है इस तरह से। और ये पट्टी भी मैंने जो थी वो शलवार के कपड़े की यहाँ पर लगवाई है, जिससे आपका सूट बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश हो जाएगा। देख सकते हो ये बॉर्डर पे डिजाइन आई थी, तो उन्होंने बॉर्डर पे दिया है। और एक्चुअली ये जो था बाजू पे बॉर्डर वाला ही कपड़ा लगवाया है मैंने, जो बहुत ही सुंदर दिखता है आपका जो कम्प्लीट सूट बनता है उसके बाद। तो ये बहुत अच्छा कपड़ा है, जितने बार आप धोगे ये खराब नहीं होने वाला गाइस। मुझे इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं क्रीपी कपड़े, समर्स में भी बहुत अच्छे लगते हैं। हमेशा से जो पटियाला सूट होता है ना, वो बहुत अच्छा लुक देते हैं। तो मुझे जब भी ऐसा कुछ अच्छा लगता है, जैसे कि मुझे सूट शलवार बनाना है, धोतीदार शलवार बनाना है, तो ये गाइस बहुत अच्छा लुक देता है। इसलिए मुझे क्रीपी कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनकी जो प्लेट्स है वो हमेशा नीचे की तरफ गिरती सी दिखती है। कपड़ा भी बहुत अच्छा होता है, कलर कहीं से जाता नहीं है गाइस। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर कलर है इसका, जैसा उन्होंने दिखाया था पिक्चर में एग्जैक्टली वैसा ही है। एंड इसका प्राइस बहुत अच्छा है, 375, बस इतना ही प्राइस है इसका। देख सकते हो कंप्लीट सूट मिलना बहुत अच्छा है गाइस। तो आप इसे कितनी बार ही पहनोगे खराब नहीं होने वाला। मैंने इसका जो था वो नेक यानी कि गोल लगवाया था, देख सकते हो आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी जो है नेक बनवा सकते हो। ये अनस्टिच सा पूरा कंप्लीट अनस्टिच कपड़ा सा आया था, मैंने बस इसको डिजाइन करवा के बनाया है ऐसा। इसके साथ मैंने गाइस जो था वो धोतीदार सलवार बनाई है, देख सकते हो आप कितनी अच्छा लुक देती है। आप जब इसको पहनते हो ना, तो गाइस बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है। और इसका कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो आप, ब्लू एंड व्हाइट, तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। व्हाइट तो जिसके साथ भी आता है गाइस, बहुत ही अच्छा लुक दे देता है। तो ये धोतीदार सलवार है, देख सकते हो आप। इसके जो है वो पैचे नहीं बनवाए मैंने, सिंपल से बस एक ऐसे सिलाई लगा ली। तो ये बहुत अच्छा लुक देता है, पैचे के ऊपर जब आता है गाइस, तो बहुत अच्छा लुक देता है। और कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इसका, थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया था, तो ये आगे फ्रंट पे मैंने इसके कुर्ते का ही कपड़ा लगवा लिया था गाइस। तो ये बहुत अच्छा है एंड बहुत अच्छा लुक देता है ये बनने के बाद, कम्प्लीटली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसका दुपट्टा भी साथ में दिया है उन्होंने, जो कम्प्लीटली सेम मैच करता दुपट्टा है, जॉर्जेट का दुपट्टा है गाइस, और बहुत अच्छा है। जब आप कम्प्लीट सूट पहनते हो ना, एकदम अलग ही लुक देने वाला, आप समझ ही सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है ये बनने के बाद। और कलर कॉम्बिनेशन जैसा आपको एक्जैक्टली पिक्चर्स में दिख रहा है ना, वैसे ही आने वाला है। बहुत ही ब्राइट कलर है और बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। दुपट्टा देख सकते हो पूरा ऐसे बॉर्डर पे उन्होंने साइड से काम ले रखा है, बहुत ही अच्छा बनने के बाद ही सूट लगा है। और पहनने के बाद भी इसका लुक बहुत अच्छा आता है, एकदम कूल लुक देने वाला है आपको। समर्स में आप पहनोगे तो बहुत ही ब्राइट कलर सा है, अच्छा लगेगा 100% आपको। तो आप बिल्कुल मंगा सकते हो इसे, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है गाइज। सेकेंड जो सूट है वो भी क्रीपी कपड़ों में ही है, और मैंने उसको भी स्टिच करवा लिया था गाइज। तो इसका सबसे पहले कुर्ता देखते हैं। इसकी कुर्ती जो है गाइज, मैंने यहाँ पर बटन लगवा लिए थे, कॉलर वाला इसका जो है वो गला दिया है, देख सकते हो गाइज आप। इसकी इसका ये अनस्टिच था, बिल्कुल कम्प्लीटली अनस्टिच, तो इसका मैंने इसे कॉलर वाले लुक में गला दिया है, इसे कुर्ता टाइप बनवाया है। और इसकी बाजू पर मैंने इस तरह का काम करवाया है, देख सकते हो आप, बहुत अच्छा लुक देता है, एकदम कुर्ता लगता है। आप पटियाला जैसी पहनते हो ना, बहुत अच्छा हाई, अच्छा सा हाई क्लास लुक देने वाला है। तो आप सूट जब भी पहनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, कपड़ा खराब नहीं होने वाला कहीं, कितना भी धो कहीं से रंग नहीं निकलेगा इसका इनके, इसलिए मुझे बहुत लगते हैं। आपका दामन पे देख सकते हो डिजाइन इसकी ऐसी आई है, कॉलर वाला गला है गाइज, और बहुत अच्छा सिलवाया है मैंने इसको, बहुत अच्छा लग रहा है सिलने के बाद, बनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हो आप। इसे भी अगर आप मंगाकर कॉलर वाले इसमें सिलवाते हो तो ये बहुत अच्छा लुक देगा। और यहाँ पे बटन लगवाए थे मैंने, टेलर से ही मैंने बटन लगवाए थे, इसको मैंने दिखा दिया था कि बस ऐसा बनना है, तो एग्जैक्टली उन्होंने ऐसे ही बनाया है। तो ये बहुत अच्छा है, अगर आप इस तरह से बनवाते हो कुर्ते वाली इसे अस्तीने बनवाते हो लास्ट में यहाँ पर बटन लगवाकर, तो ये बहुत अच्छा लुक देते हैं आपको, एकदम पंजाबी सूट जैसा लुक देने वाला है, ये बहुत अच्छा है। इसकी शलवार भी गाइस बहुत अच्छी है, ये एकदम मैंने
धोती दार सलवार इसकी भी सलवारें थी, देखते तो कितना कलरफुल है, कितने सारे कलर एड है इसके, देख सकते हो गाइस कितना अच्छा लुक आने वाला है। इसके लिए पाचे नहीं बनवाया मैंने और ये बहुत अच्छा लुक देता है। धोती जरा पहन के खड़े होते हो ना तो बिल्कुल एकदम अलग कुर्ती पे लुक देने वाला है, तो बहुत अच्छा देगा लुक, तो बहुत अच्छा लुक देने वाला है। तो आप इसको बिल्कुल मंगा सकते हो। कलर देखिए कितना प्यारा, कहीं से कलर नहीं जाने वाला, कहीं से कुछ नहीं जाने वाला, बिल्कुल प्रिंट है, कपड़े पे प्रिंट है, कहीं से कोई काम नहीं है इसके ऊपर, सारे कपड़े पे प्रिंटेड है और क्रीपी कपड़े में सारे प्रिंट ही आते हैं, काम नहीं होता इन पे ज्यादातर। इसका दुपट्टा भी देख सकते हो आप कितना ज्यादा खूबसूरत है, देख सकते हो गाइस कितना प्यारा, सारे कॉम्बिनेशन एकदम अच्छे दे रखे हैं। सूट बहुत ही अच्छा बनने वाला है गाइस, आप इसको बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल बनाइए, एकदम पंजाबी लुक देने वाला है एंड बहुत अच्छा लुक देगा। आप इसको पहनोगे तो बिल्कुल अच्छा लुक देगा आपको ये, तो देख सकते हो गाइस एग्जैक्टली कितना अच्छा लगने वाला है। देखिए देखिए कितने प्यारे कलर है, आपको खुद ही दिख रहा होगा कितने प्यारे कलर है इसके और ये कितना ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है सूट गाइस। तो चलिए नेक्स्ट जो है सूट वो गाइस एक्चुअली प्लाजो सूट है, मैंने उसको कुछ नहीं बनाया, वो बना बनाया स्टिच आया था बिल्कुल कंप्लीट, मुझे बस मैंने ऑर्डर किया और इसको पहना है। तो ये बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत सूट है, कॉटन का सूट है गाइस, ये ऐसे फराक नुमा ये देख सकते हो, इसका घेर है और ये कुर्ती है एक्चुअली पूरी सी कुर्ती, आप इसका गला देख सकते हो कितना ज्यादा खूबसूरत है। तो गाइस ये उन्होंने फ्रंट पे ऐसे गले पे डिजाइन दे रखी है, ऐसे प्यारी सी डोरी लगा रखी है गाइस, देख सकते हो इसका नेक कितना क्लीन बनाया है उन्होंने और ये बिल्कुल आगे बहुत खूबसूरत सी डोरी सी डिजाइन दी है, आगे नीचे इन्होंने ये पम्पम लगा रखे हैं, बहुत अच्छा लुक आएगा, बहुत फिनिशिंग के साथ उन्होंने जो है उसका वो नेक बनाया है गाइस। ये एल साइज में, एल में है, अगर जब भी आप अपने साइज से एक साइज बड़ा ही मंगाइए क्योंकि गाइस इसका जो कपड़ा है ना वो एक वाले वॉश में थोड़ा टाइट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी जो फुल बाजू है वो जो है वो फुल लेंथ की बाजू है इसकी, देख सकते हो गाइस आप फुल बाजू है इसकी एंड बहुत अच्छा कॉटन का कपड़ा है, ऐसे गाउन टाइप डिजाइन है इसकी, फुल आप लेंथ देख सकते हो, बहुत अच्छी लेंथ है इसकी, प्योर कॉटन के कपड़े में आता है ये, बहुत ही खूबसूरत लुक लगेगा जब आप इसको पहनोगे। एंड गाइस इसका जो है साथ में प्लाजो उन्होंने दिया है, सेम इसी कपड़े का प्लाजो है, इलास्टिक है बिल्कुल कंप्लीट इलास्टिक से उन्होंने पैक दिया, बस आप मंगाओगे इसको पहनना है और इसका भी अच्छा खासा जो है वो लेंथ है, घेर भी बहुत अच्छा है, एक्सल आ जाने वाला है। अगर आप अपने साइज से हमेशा बड़े ही मंगाना गाइस, इसका देख सकते हो आप पैचे कितना बड़ा जो प्लाजो है, अच्छा खासा इसकी लेंथ है चौड़ाई में भी और ये भी अच्छा खासा चौड़ाई में है, तो इसे बिल्कुल मंगाइए गाइस। उसका दुपट्टा बहुत मेन है, बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा है, देख सकते हो कितना मोटा दुपट्टा है, कॉटन का दुपट्टा है गाइस और बहुत ही अच्छा है, देख सकते हो आप बिल्कुल प्रिंट दे रखा है उन्होंने इसके ऊपर, बिल्कुल बहुत प्यारा सा प्रिंट दे रखा है जो छूटने वाला नहीं है जल्दी और बहुत ही अच्छी सी लेंथ है इसकी, एकदम बिल्कुल 2.25 मीटर का दुपट्टा आने वाला है इसका और बहुत ही अच्छी एकदम चादर नुमा दुपट्टा आने वाला है गाइस, बहुत ही अच्छा मोटा सा दुपट्टा आएगा, आप देख सकते हो गाइस, देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा दुपट्टा है इसका, बहुत ही अच्छा घेर है इस दुपट्टे का, दुपट्टा मुझे बहुत ही पसंद आया, एकदम बहुत ही हैवी वेट में दुपट्टा है, बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल मैच दुपट्टा है, बहुत अच्छा कॉटन का हैवी दुपट्टा आता है तो बहुत ही अच्छा दिखता है ये। बना कब जी? तो गाइस बिल्कुल आप देख सकते हो और बहुत ही खूबसूरत है दुपट्टा इसका, दुपट्टा इसका बहुत अच्छा है। तो सेकंड आपको सूट दिखाती हूँ गाइस, वो भी बहुत आपको पसंद आने वाला है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, वो भी मैंने एक्चुअली अनस्टिच आया था बट मैंने स्टिच करवा लिया उसको भी गाइस। इसका कुर्ता देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है, आपने मीशो पर बहुत सारी डिजाइन देखी होंगी और ये बहुत ही अच्छा है, देख सकते हो बिल्कुल अनस्टिच आएगा, आपको अपने हिसाब से स्टिच करा सकते हो, मैं इसका राउंड नेक बनवा रखा है और इसकी बाजू मैंने फुल दी है, साइड में मैंने इसको इसके कुर्ते का ही कपड़ा लगवाया तो जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है गाइस, देख सकते हो आप कितना प्यारा है ये और बहुत अच्छा लुक आता है। पंजाबी सूट मैंने इसको भी पटियाला सूट सिलवाया है गाइस, इसके बॉर्डर पे जो है वो ऐसे रिबन का काम है, इसे साथ ही रखकर आया था, बाकी देख सकते हो एकदम टीकी का काम है, बिल्कुल बारीक टीकी का काम है, बिल्कुल फिनिशिंग देखिए गाइस आप, बिल्कुल जब आप पहनोगे तो बहुत ज्यादा ओवर नहीं लगता है और हल्की सी शाइन मारता है, तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने वाला है सूट, आप इसको बिल्कुल मंगाइए गाइस, पास से दिखाया मैंने कितना खूबसूरत सूट है, फुल डिजाइन है एंड इसका जो बैक है वो एकदम प्लेन आता है, जॉर्जेट का है, इसका इनर भी इसके साथ ही देते हैं, इसके जो अस्तर है वो साथ में ही आपको कपड़ा देंगे, इसको 4.25 मीटर आता है इसका कपड़ा जो है, तो आप इसमें सलवार प्लाजो पैंट कुछ भी बना सकते हो। तो मैंने इसका अंदर इनर भी इसी कपड़े का लगवाया था, सैंटन मटेरियल में आता है इसका कपड़ा गाइस, बहुत अच्छा सूट है, आप देख सकते हो पंजाबी सूट बहुत अच्छा बनने वाला है ये, मुझे इसलिए बनने के बाद बहुत सुंदर लगा ये, मैंने इसके और भी कलर मंगाए हैं वो भी स्टिच होने गए हैं, जब वो स्टिच होकर आ जाएंगे तो मैं आपको उसको भी दिखाने वाली हूँ गाइस, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा उन वीडियोस को देखने के लिए। और गाइस ये जो है
ग्रीन दुपट्टा है, जॉर्जेट का दुपट्टा है, शायद नहीं देख सकते हो आप, इस तरह का उन्होंने काम दिया है। बेल लेस लगा रखी है, बिल्कुल बारीक सी खूबसूरत सी नाजुक सी लेस लगा रखी है, जो बहुत सुंदर दिखती है देखने में। जॉर्जेट मटेरियल का जो है दुपट्टा है गाइज इसका, और अच्छा खासा लेंथ है इसकी भी, देख सकते हो बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल पंजाबी सूट बिल्कुल बनकर आने का बहुत चाहे। इसका भी जो है मैंने सलवार सिलवा रखी थी गाइज, धोतीदार सलवार मैंने इसकी भी सिलवा रखी है, तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखता है कंप्लीट बनने के बाद। एंड गाइज आप इसको बिल्कुल मंगाइए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइज ऐसी प्यारे प्यारे वीडियो देखने के लिए। और ये बहुत खूबसूरत सूट है, आप इसको बिल्कुल मंगाइए, और ये बहुत अच्छा लगता है बनने के बाद, तो देख ही सकते हो आप कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है गाइज, तो आप बिल्कुल बिल्कुल मंगा लीजिए। एंड मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी करते जाइए, और ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आते रहूंगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।